अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी सुमैर चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने बहुत ही प्यारे और जिगरी दोस्त के साथ सोहेल अब्बासी साहब के रेस्टोरेंट पे। सोहेल अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी, ठीक ठाक हैं। अब्बासी साहब, आपने होटल पे रेस्टोरेंट पे दावत तो दे दी है, फिर अब बताएँ कि आज क्या खिला रहे हैं आप? जो आप खाएँगे जी। आप अगर पिंडी इस्लामाबाद में अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो PWD में आप कराची बिरयानी पर आएँ, यहाँ पे सोहेल अब्बासी साहब होंगे, आप हमारा तारुफ़ कराएँ, आपको डिस्काउंट भी मिले, डिस्काउंट करेंगे ना जी? डिस्काउंट भी मिलेगा इंशाल्लाह और आपको खाना भी अच्छा मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे लिए ऑर्डर किया हुआ है। वीडियो बंद होने के बाद अब्बासी साहब मुझे कह रहे थे कि वीडियो बंद होगी अब तो अब आपको चने की दाल खिलाएंगे। तो अब्बासी साहब हमारे साथ फ्रॉड ना करें, आप हमारे सामने अभी ऑर्डर दें ताकि वीडियो बंद होने के बाद ये ना हो, ये हमें चने की दाल खिलाएं। अब्बासी साहब ऑर्डर दे दीजिए, ऑर्डर दे। ओके, ऑर्डर हो गया। शाह जी, ये बताएं कि ईद पे जब कुर्बानी का गोश्त लोग टिक्के लगाते हैं तो वो सही गलता नहीं है, तो उसके लिए कोई ट्रिक बताए ना, ताकि लोगों को जो है ना इसका पता चले कि गोश्त जल्दी गलेगा। सब्जी फ्रूट की दुकान से पपीता मिलता है, ठीक है, वो भी उससे भी हो सकता है, और दूसरा शान का एक डब्बे वाला पाउडर आ रहा है, वो भी पपीता पाउडर है। अच्छा, नेशनल का शान का, ठीक है, भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कचरी पाउडर होता है, वो भी पंसार की दुकान से मिलता है, ये भी आप तीनों चीज़ें। अच्छा ठीक है, इनमें से सबसे बेहतर क्या है, कौन सा है जिसमें टेस्ट भी अच्छा बने? वो तो पपीता ही हो सकता है। पपीता, पपीते से इतना जल्दी गलता नहीं है, और शान वाला पाउडर लगाएंगे वो जल्दी गला देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा हमने माशाल्लाह से खा पी लिया है और बहुत ही मज़ेदार खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अब्बासी साहब के होटल पे जो है ना अपनी रहमत और बरकतें नाजिल फरमाए।